हेलो एवरीवन, चलिए आज कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ओम का नियम। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ, ये देखिए क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरों के मध्य जो उत्पन्न विद्युत विभवांतर होता है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ओम का ये नियम लिख लीजिए, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर क्या होना चाहिए, निश्चित जो तार का होना, जो तार का ताप होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए किसी निश्चित ताप पर, ताप पर, ठीक है ना, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई, ठीक है ना, उस तार के सिरों के मध्य, उस तार के सिरों के मध्य के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर को क्या कहेंगे, कैपिटल वी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। विद्युत विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, ये आपका वी हो गया, क्या होगा, इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अब जब ये हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का सिंबल तो ये क्या आ जाएगा, आपका एक स्थिरांक आ जाएगा, ये वी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई, या फिर लिख सकते वी बराबर आई आर। ठीक है, यही आर क्या है, आपका अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे क्या कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध है। और ये V क्या है, आपका विद्युत विभवांतर है। और I क्या है, तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, तार में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ओम का नियम है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आर रहता है ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मान जो होता है, ये चालक की पदार्थ ताप क्षेत्रफल आदि पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिसको पहले पढ़े थे। ठीक है, आर का मान। अब चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं, ओम के नियम का सत्यापन हेडिंग डाल लीजिएगा, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। देखिए ओम का जो नियम होता है, हाँ यही बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो ओम का नियम होता है केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है, जो केवल धात्विक चालक होते हैं उस धात्विक चालक और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। अब एक आप यहाँ पे परिपथ ये बना लीजिए, ठीक है, यदि परिपथ में लगाए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, ये आपका एक कुंजी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आप बैटरी लगा दीजिए, ठीक है, ये आपकी बैटरी लग गई, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक धारा नियंत्रक लगा लीजिए, ये आपने धारा नियंत्रक लगा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीटर हमेशा किस में लगता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ये आपने प्रतिरोध जोड़ लिया, और इसका यहाँ पे ला करके यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रतिरोध के बीच में यहाँ पे क्या लगा दिए, आप एक वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है,
ये वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिए आप, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें ये क्या है ये प्लस है और ये माइनस है। तो आपने ये क्या कर लिया, यदि एक पर्वत में लगाए विद्युत विभवांतर V और धारा I के मध्य एक ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा में प्राप्त होगी। किसके बीच में खींचना है, V और I के बीच में आप ग्राफ, जब जैसे ही क्या कर देंगे इस कुंजी को बंद कर देंगे तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, ये माइनस ये प्लस है तो आपकी जो धारा है वो कैसे प्रवाहित होगी, इसी दिशा में धारा प्रवाहित होगी ना, ये किसका है, ये धारा का दिशा है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है आपका धारा नियंत्रक है, इसको लिख लीजिए, ये क्या आपका धारा नियंत्रक है, नियंत्रक धारा को नियंत्रित करने वाला, ठीक है। और ये क्या आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। और ये क्या अमीटर है, ये कुंजी है। और ये क्या आपकी बैटरी, ये आपका क्या है वोल्ट मीटर है। अब देखिए यहाँ पे यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है, मतलब कि ये जो धारा नियंत्रक है इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसी जो I का मान है इसको क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है इसकी, इसका जो मान होगा ये जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो आपको यही यही आपको पता करना था कि जो आपका V होता और I, यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे खींच लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये V हो गया, ये V क्या है, ये आपका क्या है, तो इसको क्या करेंगे, ये I है आपका, I मतलब कि ये आपकी धारा है, ये जो I है ये धारा है, और इस कक्ष पर क्या है आपके एक्सिस पे, ये आपका विभवांतर है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे क्या करेंगे, धारा क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसकी रीडिंग बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपको एक ग्राफ मिलेगा जो कि एक सीधी रेखा में जाएगा। तो यही आपका क्या रहेगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I का ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यह धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम जो पाठ्यांक भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, आई है, ठीक है, आई क्या धारा है और ये आपका विभवांतर है। जब इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या एक सरल ये सीधी रेखा में प्राप्त होगा, ठीक है। अर्थात V तथा I का अनुपात प्रत्येक बार में समान आता है, अगर करेंगे हमेशा आप प्रत्येक बार में इसका जो V और I का मान क्या होगा, समान ही आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ओम के नियम के बाद तारों का प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके प्रतिरोधों के संयोजन से, ठीक है। आगे अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। इसको देखिए इंग्लिश में कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। यही देखिए आपको पढ़ना है। अब देखिए जो प्रतिरोधों का संयोजन ये होता है, इसका निम्न प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। देखिए पहला है, आपको पहला पढ़ेंगे इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपके प्रतिरोध होते हैं उनका जो दूसरा वाला सिरा होता है वो दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं हम, ये जैसे मान लीजिए ये देखिए पहला वाला प्रतिरोध है, ठीक है। मान लीजिए ये R1 है, इसका पहला सिरा ये है, ये दूसरा ये सिरा हो गया, तो ये जो इसका दूसरा वाला सिरा रहेगा ये दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब इसको देखिए लिख लीजिए, इसको कैसे कहेंगे, परिभाषित करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को, ठीक है। इसमें देखिए कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है,
प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यहाँ पे मान लीजिए यही फिगर बना दे रहे हैं, इसमें देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो पहले वाले प्रतिरोध के से जुड़ा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रत्येक प्रतिरोधों का पहला वाला सिरा ये दूसरे वाले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, यही लिखे ना कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यहाँ पे ये जो दूसरा सिरा है ये दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा रहता है। हाँ, ये लिख लीजिएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध का, इसमें देखिए मैं शॉर्टकट में लिखा दे रहा हूं, इसमें जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा रहता है। अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, यही है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये आपने लगा दिया, अब यहाँ पे ये आप बैटरी भी लगा दीजिए। ठीक है, छोटा सा बना रहे हैं, अभी बताना रहेगा। ये यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, ये बैटरी लगा दी है। ठीक है, ये आपने बैटरी लगा दी, अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एक कुंजी भी लगा दीजिए, यहाँ पे एक कुंजी भी लगा दिए। ठीक है, अब जो देखिए धारा होती है, धारा क्या करेगी, माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित होगी। ये आपकी क्या जा रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है सभी प्रतिरोधों में क्या हो रही है, सामान प्रवाहित हो रही है। मतलब कि यही जो आई धारा इसमें भी प्रवाहित होगी, इसमें भी प्रवाहित होगी और इसमें भी प्रवाहित होगी, और लास्ट में क्या आएगी, आई धारा ये सब में प्रवाहित हो रही है। तो आई धारा जो आपका इसमें जो श्रेणी क्रम संयोजन में होता है, जो धारा क्या होती है, एक समान प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा क्या होती है, इसमें एक समान प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए क्या है, ये प्रतिरोध R1 है, ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है C पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है D पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें सब में धारा तो समान प्रवाहित होगी, लेकिन A से इसको मान लीजिए जो आपका ये प्रतिरोध है, इसको मान लीजिए R1 है, ये वाला प्रतिरोध R2 है, ये वाला प्रतिरोध क्या है R3 है। अब इसका यहाँ से इसके बीच का विभवांतर तो अलग ही होगा ना, तो इसमें जो विभवांतर रहेगा दो बिंदुओं के बीच, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको कहेंगे V1 से कह देंगे, इसके और इसके बीच का जो विभवांतर रहेगा इसको कहेंगे V2। ठीक है, और इसके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए, इतना ये आपको फिगर बता रही है। अब चलिए देखिए इस यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को इसमें जोड़ दिए हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित किए हैं। ठीक है, अब देखिए इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर V1 V2 और V3 है, अब देखिए ओम के नियम से देखेंगे। ठीक है ना, ओम के नियम से देखेंगे, यहाँ पे ओम का नियम क्या बताता है, V बराबर क्या होता था, आई आर होता था। तो ओम के नियम से देखेंगे, ओम के नियम से आपका देखिए V1 है यहाँ पे। ठीक है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1 यही होगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I R3 हो जाएगा ना, यही हो जाएगा, ये दिख रहा है। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, V1 बराबर IR1 है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, ये समीकरण 2, और देखिए क्या हो जाएगा, V3 बराबर यहाँ लिख दे रहे, V3 बराबर हो जाएगा IR3, ये समीकरण आपका 3 हो गया। तो इतना समझ ही गए, ये ओम के नियम से इतना आ गया आपका। अब देखिए, अब मान लीजिए, आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए इस परिपथ में जो लगी बैटरी है, ये आपका जो बैटरी लगी है,
ठीक है, ये आपका बैटरी है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये बैटरी, मान लीजिए इस परिपथ में जो लगी हुई बैटरी है उसका विभवांतर V है, तो जब उसका विभवांतर V रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद लिखेगा मान, माना यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, माना माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, तो V है तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस ये V3 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ना, अगर मान रहे हैं माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है तो इन सभी का जोड़ का तो यही हो जाएगा विभवांतर, इसको समीकरण मान लेंगे 4, ये क्या हो जाएगा चौथा समीकरण हो जाएगा, ठीक है, V1 V2 और ये V3 हो जाएगा, इतना समझ गए। अब देखिए मैं यहाँ पे ये इसको मिटा दे रहा हूँ, प्रत्येक जो प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में, हाँ, अब इसके बाद देखना है, अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ए और डी, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे ए और डी, अब देखिए आप कह सकते हैं यदि ए और डी के मध्य, यदि ए और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यदि ए और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आर हो तो, यदि ए और डी, यदि ए और, इसको भी मिटा दे रहे, साफ से नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, अब देखिए क्या लिखेंगे, यदि यदि ए और ये क्या है डी है, यदि ए और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आर है, तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध आर है, क्या है आर है, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होता है V बराबर क्या होता है आई आर होता, ओम के नियम से देखेंगे V बराबर क्या हो जाएगा आपका आई आर हो जाएगा, V बराबर आई आर है, और V का मान कितना है यहाँ पे आपने निकाला, V का मान निकाले हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 निकाले हैं, तो ओम के नियम से V बराबर आई आर होता, तो V का मान ये यहीं पे रख देंगे, ठीक है, V का मान रखिए ये क्या V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए V1 का मान कितना है यहाँ पे IR1 है, इसका मान रखिए IR1 प्लस V2 का मान क्या है IR2 है, IR2 है, और इसका मान कितना है V3 का प्लस IR3 बराबर क्या है IR है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे I को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा IR, ये आपका तुल्य प्रतिरोध है, RR कट गया, तो आपका R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपका समीकरण ये आ जाएगा, ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है, यही आपको क्या करना था निकालना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप यही कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है उनके योग के बराबर होता, मतलब कि जितने भी आपके प्रतिरोध रहेंगे उनके जोड़ के बराबर होगा, और जो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा तुल्य प्रतिरोध का जो मान रहेगा हमेशा इन प्रतिरोधों से ज्यादा आएगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है तथा विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, श्रेणी क्रम में यही होता है कि इसमें जो समान जो धारा होती है ये प्रतिरोधों के बीच में क्या होती है प्रवाहित होती है, और इनके बीच का जो जो विभवांतर रहता है ये अलग अलग रहता है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी से, ये वाला जो सूत्र है, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है रहते हैं तो,
देखिए यही आपको नियम लगाना, ठीक है। अभी श्रेणी क्रम का क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा। अच्छा चलो एक यहाँ पे सिंपल सा, आप देखिए दिए गए परिपथ को ही मान लीजिए, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे दो प्रतिरोध लगा है और एक यहाँ पे प्रतिरोध लगा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपकी क्या लगी है, बैटरी लगी है, कुंजी लगा दीजिए, ठीक है, ये बंद कुंजी है। और यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, एक बैटरी लगा दीजिए, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। हाँ अब इसमें क्या बताना, तुल्य प्रतिरोध बताना है। यहाँ पे ये वाला एक सिरा है और एक यहाँ पे है, इसका देखिए कितना ओम दे दिया गया है, 10 ओम, ये 12 ओम और ये 4 ओम। तो आपको क्या बताना है कि परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, मतलब कि इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा कितना आएगा। तो यहाँ पे देखना है कि ये वाला जो प्रतिरोध है, इसका दूसरा वाला सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा है, मतलब कि श्रेणी क्रम में होता, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है उनके योग के बराबर होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हो जाएगा अगर दिया रहता। तो R एक कितना दिया गया, 10 दिया गया, ये कितना है 12 दिया गया और ये कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 10 और ये 22 और 4 26। तो तुल्य प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा, 26 ओम हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए दूसरा देखते हैं, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। हाँ दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। दूसरा है इसको कहते हैं समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, क्रम संयोजन, यही ना, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। अब इसमें देखिए क्या रहता है, समांतर क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के, इसमें देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि सभी के, इसमें जो होता है सभी के पहले सिरे एक बिंदु से, सभी के इसमें जो सभी के प्रतिरोध रहते हैं, सभी के अभी लिखवा रहे हैं, सभी के आपका पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तथा दूसरे सिरे दूसरी बिंदु से जुड़े होते हैं, तथा दूसरे सिरे दूसरी बिंदु से जुड़े होते हैं, दूसरी बिंदु से जुड़े होते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन को। देखिए समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरी बिंदु से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का जो विभवांतर होता है वो समान होता है, ठीक है। सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, इसमें समान होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से, मतलब कि आपकी एक बिंदु हो गई, यहाँ पे क्या ले लिए, बहुत सारी प्रतिरोध, यहाँ पे एक प्रतिरोध आपने ये ले लिया, ठीक है, इसका ये दूसरी बिंदु हो गई। अब इसी बिंदु से क्या होगा, दूसरा वाला प्रतिरोध भी जुड़ेगा, ठीक है, ये आपका दूसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसी बिंदु से क्या करेंगे, अगर समांतर में जोड़े हैं तो इसी बिंदु से तीसरा वाला भी प्रतिरोध जुड़ेगा, ठीक है। अब यहां से लेकर के और यहाँ के बीच का जो विभवांतर रहेगा ये V ही रहेगा, ये समान रहता है,
लेकिन यहाँ पे देखिए जो करंट होती है, यहाँ पे जो करंट रहेगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए ये आई करंट है, तो आपके समांतर में क्या होती है, अलग अलग करंट जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी आई वन जाएगी, इसमें आई टू जाएगी, और इसमें कौन सी करंट जाएगी आई थ्री जाएगी। ठीक है, तो यहां से आई वन आएगा, आई टू जाएगी, यहाँ पे आई थ्री जाएगी, और तीनों जब मिल करके यहाँ पे आई अपना वापस ये निकल जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या लगा लीजिए आप, एक बैटरी लगा लीजिए, यहाँ पे क्या लग गई आपकी, एक बैटरी लग गई। ठीक है, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और एक क्या कर लीजिए यहाँ पे, एक कुंजी लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका बनके तैयार हो गया, किसमें, समांतर क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, नाम दे दीजिए आपका, देखिए ये इसका क्या नाम हो गया, आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, और ये आर थ्री हो गया, और ये तो आपका बैटरी है, ये माइनस है, ये आपका प्लस है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो बिंदु यहाँ पे, हाँ बिंदु भी दे दीजिए, ये आपकी ए बिंदु है, ये बिंदु का नाम क्या है, बी बिंदु है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिंदु ए पर जो आपकी धारा है, बिंदु ए पर जो धारा, ये क्या हो जा रही है, ये विभाजित हो जा रही है ना। अब यहाँ पे जो बिंदु ए पर धारा, ये आई बराबर क्या हो जा रहा है, तो आप लिखेंगे, लिखिए कॉपी में, बिंदु ए पर धारा तीन भागों में विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा I3, इसको क्या मानेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि जो आपका क्या है, मान लीजिए A व B के मध्य विभवांतर V है, A व B के मध्य क्या है, जो विभवांतर V है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध A व B के मध्य क्या है, जुड़ा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, V ही होगा ना। तो यहाँ पे I1 का मान क्या हो जाएगा, ओम के नियम से निकालेंगे, V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। तो ओम के नियम से निकालेंगे यहाँ पे I, I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये है, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1, ये क्या हो जाएगा, V बटा R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2, यही होगा। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R3 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, ये आपका देखिए I1 ये हुआ, I2 ये हुआ, और I3 ये हो गया, इतना समझ गए। अब इन सब की जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है, ये वाला समीकरण वन में रख देंगे। तो जब समीकरण वन में रखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, जब समीकरण वन में ये सब की वैल्यू रखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा क्या हो जाएगा R3, ये वाला आपका आ जाएगा। मान लीजिए अब इसको समीकरण नंबर दो मान लीजिए, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपको ओम का नियम लगाना है। ठीक है, जो बिंदु A और B के बीच, बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, तो यदि बिंदु A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध R है, तो अब क्या करेंगे, R है तो ओम के नियम के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओम के नियम के अनुसार, ओम के, यदि A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए I का मान कितना दिया गया है, I का मान आपका यहाँ पे दिया गया है, अब I का मान क्या रख दीजिए, यहीं पे ला करके रख दीजिए, तो ये जो आपका V बटा R है, इसको इस साइड लिख लीजिए, ये R क्या, आपका तुल्य प्रतिरोध है, बराबर क्या हो जाएगा, ये V है, तो अब सब में क्या है, V कॉमन निकल रहा है, V को सामने लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा क्या हो जाएगा, आर थ्री हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब ये वी वी कट जाएगा, ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक बटा आर, ये तुल्यांगी प्रतिरोध है, बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस क्या हो जाएगा, एक बटा आर थ्री, ये आपका समीकरण निकल जाएगा कि जब प्रतिरोध आपके समांतर में जुड़े रहते हैं। तो अब इसी को देखिए कैसे परिभाषित करेंगे,
देखिए अब क्या कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, ठीक है ना, क्या होता है तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर से बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए कहेंगे कि आप समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब देखिए जो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो मान ये जो तुल्य प्रतिरोध आता है समांतर क्रम में, इसका जो मान होता है इसमें से कोई न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम आता है। हाँ यही मैं बताऊं, जो आपके समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है, जोड़े गए प्रतिरोधों से सबसे कम प्रतिरोध का मान होता है, ठीक है, सॉरी सबसे कम प्रतिरोध है के मान से भी कम होता है। मान लीजिए, अब मानते हैं जैसे आपका यहाँ पे हो गया 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 1 ओम से भी कम आएगा, ठीक है। मानते हैं 1 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, तो आपका जो क्या आता, जो तुल्य प्रतिरोध आता ये क्या होता, 1 ओम से भी कम आता। इसको लगाकर देख सकते हैं, अब देखिए क्या निकालेंगे, ये मान लीजिए 1 ओम का है, ये 5 ओम का, ये 8 ओम का, आप जोड़ दीजिए, आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए 1/1 1/8 आपका तुल्यांक के बराबर 1/1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/8, ठीक है, गुणा करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/40, यहाँ पे 40 से गुणा करेंगे, इसको इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 40 हो जाएगा, अब इसमें 8 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 8 से यहाँ पे गुणे 5 से बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8/5 53/40, तो R यहाँ पे क्या है नीचे, तो R बराबर क्या हो जाएगा 40/53 53, तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध का मान है एक से कम ही आएगा, ठीक है, यही बता रहे थे। आपके जो समांतर होते हैं, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का संयोजन होता है उसमें जोड़े गए प्रतिरोधों में से सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, हाँ एक क्वेश्चन इसे बताए अभी, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं इसी से, इसको मिटा रहे हैं हम यहाँ पे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आएंगे, आ सकते हैं, आएंगे भी। अब चलिए एक क्वेश्चन हम ये वैसे ही बना रहे हैं, चित्र देखिए बना रहे हैं हम, यहाँ पे ये आपका एक प्रतिरोध है और यहाँ पे भी ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, ये किसी बिंदु से जा करके जुड़े हैं, ठीक है, ये इसका मान कितना है 6 ओम है, इसका मान क्या है 12 ओम है, ठीक है, ये वाले प्रतिरोध का, तो आपके इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा क्या होगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो किसमें है समांतर में है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/ ये 6 हो जाएगा प्लस 1/12 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 से 12 करेंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, नीचे 12 है, यहाँ पे 2 + 1 3/12 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा 1/4 आएगा, तो 1/R है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 4 ओम, तो न्यूनतम प्रतिरोध यही है ना, तो न्यूनतम से भी कम आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए एक और बचा, मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है, तीसरा, मतलब कि जिसमें आपके अभी से क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, मिश्रित वाले से, हाँ तीसरा देखिए नंबर है कि आपका मिश्रित क्रम संयोजन, तीसरा क्या है मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, देखिए मिश्रित क्रम संयोजन में
जो प्रतिरोध होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स द कॉम्बिनेशन। मतलब कि इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन में कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा कुछ समांतर क्रम में संयोजित रहते हैं। मतलब कि इसमें जो होते हैं श्रेणी क्रम और समांतर दोनों में ही प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के परिपथ जटिल परिपथ होते हैं। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं हम, देखिए मानिए ये क्या आपकी बैटरी लगी हुई है, ये क्या है बैटरी लगा दिए हैं, यहाँ पे एक क्या है प्रतिरोध है, ठीक है, एक प्रतिरोध लगा दिए हैं, ये आपका यहाँ पे अमीटर है, ये यहाँ पे क्या लगा दिए कुंजी लगा दिए, यहाँ पे भी आपका एक प्रतिरोध यहाँ पे भी जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ से एक और प्रतिरोध को यहाँ पे आपने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, फिर अब यहाँ पे भी क्या प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं प्रतिरोध को ही जोड़ रहे हैं। तो यही देखिए क्या मिश्रित क्रम में है, मिश्रित में क्या होता है आपके जो श्रेणी क्रम और जो समांतर क्रम दोनों में ही क्या होते हैं संयोजित होते हैं। जैसे अब दे दिया जाए इसका मान क्या है 3 ओम है, इसका मान भी देखिए 3 ओम है, सभी का मान 3-3 ओम दे दिया जाए तो ये भी 3 ओम है, ये भी आपका 3 ओम है, ये आपका यहाँ पे अमीटर लगा गया, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, करंट की धारा माइनस से प्लस की तरफ आएगी, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस जो ये दी गई है परिपथ है, ठीक है, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये वाला और ये वाला क्रम किस में है, आपका श्रेणी क्रम में है ना, इसका देखिए जो दूसरा वाला बिंदु है ये दूसरे वाले प्रतिरोध को पहले जुड़ा है, मतलब कि ये क्या श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जानते हैं R बराबर क्या होता है R1 + R2, ठीक है, तो ये 3 + 3 जोड़ देंगे, ये 3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 ओम। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, यहाँ पे आप टुकड़ा करके जोड़ेंगे सबको एक साथ नहीं जोड़ पाएंगे, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध 3 + 3 = 6 ओम आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो अब इसको देखिए मिटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसे बना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लेकर के आएंगे, फिर ये आप ऐसे यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये आपका 6 ओम का हो गया, दोनों श्रेणी क्रम में थे, हाँ दोनों श्रेणी क्रम में से जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया 6 ओम का था। अब ये देखिए ये वाला है और ये वाले दोनों समांतर में है, समांतर में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या होता है तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। अब दोनों क्या है आपके समांतर में है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 है और ये प्लस क्या आपका 1/6 है, ठीक है, तो दोनों को जोड़िए, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे गुणा करिए 2 से, ऊपर भी 2 से हो जाएगा, नीचे 6 हो गया, यहाँ पे 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/6 1/2, तो आपका R का मान क्या हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम, ये निकल जाएगा। इन दोनों के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है ये कितना निकलेगा आपका 2 ओम निकलेगा। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, अब इसको भी क्या कर लीजिए यहाँ पे, अब ये दोनों इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकल गया, अब इन दोनों को कैसे जोड़ दीजिए आपके ऐसे सिंपल आपके ऐसे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे ये प्रतिरोध है ये कितने ओम का है 2 ओम का, यही निकाले ना। अब देखिए सभी प्रतिरोध किसमें है, ये पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध को पहले से जुड़ा है, इसका भी इससे जुड़ा है, तो सभी किसमें है आपके श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तो क्या करेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है, उसको वैसे ही R बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3, तो आपका जो तुल्यांकी प्रतिरोध रहेगा तो ये क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 3 ओम है एक प्लस दूसरा क्या 2 ओम है प्लस ये क्या है 3 ओम है, तो जोड़ेंगे 3, 2, 6 और ये 8 ओम, तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना निकल जाएगा 8 ओम निकल जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। तो चलिए ठीक है इस वीडियो में इतना ही, आगे इससे जो क्वेश्चन बचे हैं इससे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आप लोग करिएगा और क्वेश्चन हम कराएंगे, ओके, थैंक यू।